तो हम बात कर रहे हैं आज रेंज के ऊपर। रेंज हम डिस्कस करेंगे कि रेंज क्या करता है, क्योंकि हमने शीट्स और वर्कबुक के बारे में पढ़ लिया, रेंज के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए डुअल स्क्रीन कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया, मुझे एक रेंज को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ लिखूंगा रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। ये क्या करेगा, किसी A1 पे अपना कर्सर रख देगा। किस पे कर्सर रख देगा, A1 पे। हालांकि हम इसको सेल्स के जरिए भी कर सकते हैं कि सेल्स 1,1 डॉट सेलेक्ट। ये क्या करेगा, ये R1 C1 की पहला नंबर रो एंड दूसरा नंबर पहला नंबर कॉलम। तो आप A1 B1 C1 के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, नंबर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, जी लेकिन मुझे शीट 3 के A1 पे जाना है, तो आपको यहाँ पे पहले लिखना होगा कि शीट्स और शीट्स का नेम शीट 3। अब शीट 3 ये जो शीट की जो कॉलिंग मेथड है, शीट 3 कर लीजिए, या यहाँ पे शीट 3 या कैप्शन नेम पे चले जाइए, सीक्वेंस नेम पे चले चले जाइए, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बारे में हमने शीट की क्लास में समझाया आपको। उसके बाद हम देंगे रेंज, रेंज में करेंगे A1 डॉट सेलेक्ट। तो ये क्या करेगा, शीट 1 के A1 पे कर्सर रखेगा। कहाँ रखेगा, शीट 3 के ना। हाँ शीट 3 के A1 पे कर्सर रखेगा, लेकिन सेम एक्टिव फाइल। अब मेरे पास ऑलरेडी ओपन दूसरा फाइल है, मान लीजिए बुक 2 है, मैं चाहता हूँ बुक 2 के शीट 3 के A1 पे जाए। तो यहाँ पे आपको वर्क बुक्स और यहाँ पे book3.xlsm या जो भी आपका एक्सटेंशन है डॉट एक्टिवेट, अगर फाइल ओपन है तो। अगर फाइल ओपन नहीं है तो इसके जगह पे आप फाइल ओपन का कोड डालें। ठीक है, तो किसी सीट पे जाने का मेथड ये रहा, मतलब कि किसी सेल पे जाने का। अगर करेंट शीट सेल है तो A1 डाल दीजिए, अगर आपका किसी करेंट फाइल के किसी अनदर शीट में है तो आप शीट का रेफरेंस डाल दीजिए, किसी पर्टिकुलर फाइल के पर्टिकुलर शीट के सेल पे जाना है तो ये मेथड डाल दीजिए। क्लियर है। जी अब बात आ रही है कि हम एरिया को सिलेक्ट कैसे करें, किसी एरिया को। जैसे मैं यहाँ पर कुछ डेटा भी डाल देता हूँ, सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तो सिलेक्शंस करेंगे तभी तो आगे डेटा को कर पाएंगे आप, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे A1 से लेके E12 तक सिलेक्ट करना है, तो इसके भी 2 मेथड है। एक एक्सेल का मेथड है, जैसे फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं ना, देते हैं ना फॉर्मूला में रेंज A1 कॉलन E11 टू E12, इस तरह से दिख रहा है। इस मेथड को भी ले जी सकते हैं, यहाँ लिखेंगे रेंज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं डॉट सेलेक्ट। ठीक है, या दूसरा एक VBA मेथड है जो इस तरह से चलता है कि A1, E12 डॉट सेलेक्ट। समझ गए, जी अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है, ये तो हो गया। अब अगला ऑप्शन आता है कि मुझे अगर सेलेक्ट करना हो डायनेमिकली कैसे करेंगे, जैसे कंट्रोल ए हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। समझ गए, तो इसे ये क्या कर देगा, कंट्रोल ए कर देगा। अब मैं कर्सर मूव मैं मार्क करना चाहता हूँ, मैं ऊपर से नीचे आना चाहता हूँ डायरेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा रेंज A1 डॉट एंड एक्सल डाउन डॉट सेलेक्ट। तो सीधे क्या करेगा, यहां से सीधे लास्ट आ जाएगा, क्या जाएगा, सीधे लास्ट। अप करूंगा तो ऊपर, तो ये जो डाउन की जगह पे एक स्लाइट लेट अप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ब्लैंक रहा तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए ब्लैंक है, हमें सबसे लास्ट में आना है, तो क्या करेंगे, हम एक मेथड लेंगे। बोलिए, सर, ये ऊपर वाले में ही जो आपने बताया एक्सेल डाउन, तो ये लास्ट वाले सेल को सिलेक्ट करेगा कि A1 से लेके लास्ट वाले तक को सिलेक्ट करेगा? ये क्या करेगा बताता हूँ, कि यहां पे कर्सर रखेगा, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेगा,
तो ये सिक्स A6 को सिलेक्ट करेगा ऊपर वाले में, जहां रुकेगा कब, एक्सेल डाउन वाले। अगर इसमें वैल्यू होगा तो लास्ट में चला, अगर फिल है तो सबसे लास्ट में जाएगा। हाँ तो मतलब A12 को ही सिलेक्ट सिंपल से करेगा ना समझिए ना, कि कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करें। अब कंट्रोल डाउन एरो का जो फंक्शन है वही फंक्शन होगा। अब कहाँ अच्छा जाके रुकेगा एग्जैक्ट नहीं कह सकते, वो डेटा अगर पूरा है तो सबसे लास्ट में रुकेगा, डेटा कहीं ब्लैंक है तो ब्लैंक से ऊपर रुकेगा। नहीं, सर मैं समझा कि वो लास्ट में जाएगा, बट सिलेक्शन स्टार्टिंग से होगा कि वो पर्टिकुलर लास्ट सेल का सिलेक्शन होगा, ये मैं पूछ रहा सिलेक्शन हूँ। नहीं कर रहा है, जस्ट कर्सर मूव कर रहा है। अच्छा ये सिलेक्शन जब सिलेक्ट भी लिखा ना होती है सर। जैसे स्टार्ट और एंड होता है, जैसे इसको स्टार्ट एंड है नहीं है, अच्छा जस्ट सिलेक्ट करेगा। और ऐसे ही आप यहाँ पे कर सकते हो एंड एक्सलेस अप डॉट सिलेक्ट, ये क्या करेगा। अब मान लीजिए बीच में ब्लैंक है, मुझे बहुत सारे ब्लैंक है, मुझे लास्ट में जाना है, तो उस केस में ए जाएगा A65000, और यहां से कंट्रोल और अप एरो यूज करके सबसे लास्ट में आना, समझ गए। अब आप बोलते हैं कि मुझे इस सबको सिलेक्ट करना है, तो हम इस मेथड को अपनाएंगे स्टार्टिंग और एंडिंग। तो हम यहां देंगे कि रेंज A1 हमारा स्टार्ट हो गया, राइट, और एंड में हमने क्या किया, ए जो कोड है ना इसको ले लिया, या ऊपर वाले को भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे वाला कोड परफेक्ट रहेगा क्योंकि इससे ब्लैंक वगैरह होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे, जी क्लियर है। तो A1 स्टार्टिंग हो गया और ए एंड निकाल के दे दिया। या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर डेटा अगर फिल है पूरा तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि रेंज A1 इज द स्टार्टिंग कॉमा रेंज एंड के लिए हमने बोला A1 से एंड चले टू लेफ्ट, ओके डॉट सेलेक्ट, फिर रेंज मतलब कि यहां से उठ लिया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहां आया, फिर रेंज हमने यहां डाला एवन A1 नहीं, अब यहां A1 नहीं होगा ना क्योंकि A1 करेगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा, हमें तो इसकी सिलेक्शन जो अच्छा है इसको लेके आना है ना। यहां तो बोलेंगे सिलेक्शन सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट डाउन एंड एंड टू एक्सल डाउन डाउन देन सेलेक्ट। तो ये दोनों लाइन इकट्ठा लिखेंगे ना, तो क्या करेगा, यहां से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, करेक्ट सर। हाँ लेकिन बीच में ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अब बीच में ब्लैंक हुआ तब क्या होगा, तो हम मिस हो वेरिएबल जाएगा। लेंगे, जैसे कि ये देखा था आपने, ये कोड में बताया था मैंने, इसी को लेते हैं, लेंगे यहां लिखेंगे आर इक्वल टू डॉट रो, क्या करेंगे रो मतलब नीचे से ऊपर जाके इसका रो नंबर 12 जो है आर पे रख देंगे। ऐसे सी इक्वल टू रेंज रेंज हम करेंगे एक्स एफ डी वन, XFD1 डॉट एंड XL2 राइट डॉट अच्छा कॉल, क्लियर, नहीं कॉल कॉल, मतलब ये सबसे लास्ट में जाएगा, यहां पे आके कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेगा, जो ई कॉलम का जो एड्रेस है इस ई कॉलम के एड्रेस को कहां डाल देगा, सी के ऊपर। तो अब मुझे लास्ट कॉलम और लास्ट रो पता है, तो मैं इस मेथड और इस मेथड को यूज कर, इसको नहीं, इसको यूज करते हुए क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रेंज A1 कॉमा सेल्स सेल्स, यहां डालूंगा आर रो कॉलम सी डॉट सेलेक्ट। तो आप बीच में चाहे जितना ब्लैंक हो आपका पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ध्यान करेक्ट रखे हम 95 केसेस में हम करेंट रीजन को ही यूज करते हैं, समझ गए। जी। अब बात करते हैं ऑफसेट, जैसे मैं यहां से नीचे नहीं, मैं लास्ट 13 नंबर रो पे जाना चाहता हूं, मतलब कि लास्ट ब्लैंक रो,
गेट नेक्स्ट ब्लैंक। वो तो सर इससे आ जाएगा ना, जब जी भी आपने बताया नहीं, यहां 65,000 यहां से। पहुंचेगा, चाहे ऊपर से नीचे आइए चाहे नीचे से ऊपर जाइए, पहुंचेगा लास्ट रो में, लास्ट रो की अगले अच्छा ब्लैंक सेल में नहीं। नेक्स्ट मतलब 813 में। A13 में पहुंचने के लिए हमें ऑफसेट का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? ऑफसेट। और यहां पे देंगे 1,0.select। ये क्या करेगा, A65,000 से ऊपर जाएगा और ऑफसेट जो है यहाँ रो होता है और यहाँ पे कॉलम होता है। तो वन रो है ना सर, तो वन रो में एक रो नीचे आ जाएगा। अगर इसी में मैंने कर दिया टू कॉलन, तो यहां से एक रो नीचे और 1,0,1,2 कॉलम पहुंचेगा। अब मान लीजिए कि माइनस में करता हूं, मैं माइनस में 3 कर दिया, तब क्या होगा कि वो नीचे से ऊपर जाएगा, यहां से 0,1,2,3 और फिर यहां से 0,1,2,34 पे जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ऑफसेट के अंदर जी जो माइनस और प्लस देते हैं इसमें यही रोल होता है। समझ में आ गया? क्लियर है सर? जी सर। यस सर। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि किसी सेल पे हम डेटा कैसे डालें। ठीक है, और इसके बाद आपको हम एक प्रोजेक्ट वीडियो देंगे और एक प्रोजेक्ट आपको उसी वीडियो के अकॉर्डिंग बनाना है। तो किसी सेल पे हम कैसे डालेंगे डेटा को, तो यहां हम आते हैं। यहां पे मुझे A1 पे नेम लिखना है, यहां लिखूंगा रेंज A1 डॉट नेम, सॉरी डॉट वैल्यू इक्वल टू, हम यहां पे नेम कर देंगे। कीबोर्ड क्यों चल रहा ठीक है, फिर यहां पर रेंज B1 डॉट, डॉट लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट डाल दीजिए कि रॉल, या रेंज C1 डॉट फॉर्मूला इक्वल टू मार्क्स। तो तीनों में कोई फर्क नहीं, ये यहां पे रोल, यहां पे हम नेम, यहां पे रोल और यहां पे मार्क्स डाल दें। ठीक है सर? से फॉर्मूले का मतलब क्या था रीजन? मैं फॉर्मूला बता तो रहा हूं ना कि नॉर्मली अभी देखिए किसी सेल पे डेटा डालना है ना, तो फॉर्मूला लीजिए, रो लीजिए, वैल्यू लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ेगा, जब आप किसी सेल की वैल्यू को, जैसे मैंने यहां पे दिया कि 50+60, अब मुझे 110 को मान लीजिए रोल B1 पे लाना है, यहां फर्क पड़ेगा कि रेंज हमने बोला B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज B2 डॉट वैल्यू, समझे? यहां पे फर्क पड़ेगा क्योंकि यहां पे आपका 50+60 जो दिख रहा है ना, ये ना आके सिर्फ क्या आएगा, 110 आएगा। ओके, सर सुनिए ना जी। सर, ये फॉर्मूला फॉर्मूला मतलब मार्क्स पे आपने लगाया तो अपन फॉर्मूला मतलब यूज कर सकते हैं इसके लिए, वैसा है क्या? मैं आपको बता रहा हूं ना, अब ये फॉर्मूला करेंगे ना, अब आपका होगा कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला देख, समझे? देखिए वैल्यू डालते समय आप रोल कीजिए या कुछ नहीं कीजिए, फॉर्मूला कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, जैसे सेम उसी तरह कि मैं यहां पे कर्सर करके 10 लिख दूं या फिर मैं ऊपर में डबल क्लिक करूं यहां पे 10 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सेम थिंग यहां है, सेम चीज यहां पे होता है, लेकिन मैं इसकी 1110 लेके आऊं, यहां पे 1110 लेके आऊं, या ये आपका वैल्यू हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला क्या करेगा कि ये पूरा लेके आएगा और यहाँ पे पूरा डालेगा। अब इक्वल हो जाने के कारण जैसे ही इसको एंटर करके बाहर आएगा,
वो इसकी फॉर्मूला 1110 वैल्यू आ जाएगी, समझे। तो जब किसी सेल से वैल्यू उठा के किसी अनोदर सेल पे डालते हैं, वहां अगर आपने जहां से लिया है वहां पे वैल्यू किया, तो आपको पेस्ट एज ए वैल्यू वाला फीलिंग होगा, लेकिन जब फॉर्मूला करेंगे तो उसकी पूरी फॉर्मूला उठ के आएगी, कॉपी पेस्ट वाला फीलिंग नहीं आएगी, वो फॉर्मूला उठा के लाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर दिया हुआ है कि F2+20, तो अगर हमने फॉर्मूला किया तो ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यहाँ ला के डालेगा, ठीक है। पर कॉपी पेस्ट में क्या होता था, ये आपका इंक्रीज करता है ना, F2 जो है वो चेंज होके कुछ और हो जाएगा, अगर डालते हैं तो क्या हो गया, D4 हो गया। तो ये चीज यहां नहीं होगा, सिर्फ उसकी फॉर्मूला उठा के डाल देगा जैसा फॉर्मूला में टाइप है, समझ गए। हाँ क्लियर है सर, क्या हो गया। जी अब बात करते हैं कि किसी और सीट पे डालना है, जैसे मैं सीट 2 के A B1 में कुछ डालना चाहता हूं, तो आपको यहाँ पे लेकिन अगर आपको यहाँ शीट्स और यहाँ पे शीट 2 डॉट रेंज और यहाँ पे आप करेंगे B2 डॉट वैल्यू, मैं यहाँ पे 500 डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपका सीट जो भी एक्टिवेट होगा उसे फर्क नहीं है, बैकएंड में जाके डाल देगा, ओके। लेकिन इसी को हम इस वाले मेथड से करें जो मैंने यहाँ बताया ना आपको, ये मेथड यहाँ क्या बताया था, ए वाला मेथड बताया था, ठीक है। कि मैं पहले सीट 2 को एक्टिवेट करूंगा, फिर मैं उसके रेंज A1 को सिलेक्ट करूंगा, A2 को, और फिर इसके ऊपर मैं लिखूंगा कि एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू 500। ये क्या करेगा, पहले जाएगा C2 में, फिर वो डालेगा A2 पे कर्सर, फिर इसके अंदर 500 डालेगा। तो आपका जो स्क्रीन है चेंज हो जाएगा, आपका C4 से C2 एक्टिवेट हो जाएगा और कर्सर A2 पे चला जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि वो पीछे पीछे डाल देगा, आपका जो स्क्रीन है सेम रहेगा। मान लीजिए कर्सर मेरा C6 और C4 एक्टिवेटेड है, तो C4 और C4 ही एक्टिवेटेड होगा, समझ गए। जी ऐसे अगर आपको किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर डालना है, तो एक मेथड है कि उस फाइल को आप एक्टिवेट कीजिए यहाँ पे, राइट। या दूसरा है कि आप इसी में उस फाइल का नाम यहां लगा दीजिए, वो डाल दें, समझ गए। यस तो किसी सेल पे हम कैसे डालेंगे समझ में आ गया।